नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लटर डिटॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल रेसिपी। थैंक्स टू दिस टाइम सेविंग रेसिपी दैट मेक्स एवरीडे कुकिंग अ ब्रीज। इन दिस सीरीज ऑफ वीडियोस आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द डिशेस दैट आई मेक यूजिंग दिस मसाला। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस मैजिक मसाला। सबसे पहले हमें एक बड़ी कढ़ाई में बहुत सारा तेल लेना है। यहाँ पे तेल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, इसीलिए अच्छे मात्रा में तेल लेना बहुत ज़रूरी है। प्याज की मात्रा के हिसाब से अंदाजन तेल ले लीजिएगा। फुल फ्लेम में मैंने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है। तेल के गरम होने के बाद मैं इस पे डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच जीरा। मैंने गैस को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे कर लिया है ताकि जीरा जल ना जाए। कढ़ाई में कुकिंग करते वक्त हमेशा मैं एक स्प्लैटर स्क्रीन का इस्तेमाल करती हूँ। इसे मैंने आइकिया से लिया हुआ है। जीरा हल्का सा भुन चुका है और मैं इसमें डालने वाली हूँ कटे हुए प्याज। मैंने इधर 12 बारीक कटे हुए प्याज का इस्तेमाल किया है। ऑनियंस की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लेम हाई कर दिया है, वरना ऑनियंस पानी छोड़ सकता है। चूँकि गैस हाई फ्लेम पे है, इसलिए आपको कंटिन्यूसली स्पैचुला चलाते रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्याज के जलने का डर हो सकता है। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मसाला बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ऑनियंस यहाँ पे ट्रांसलूसेंट हो चुका है और अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें मसाले। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच हल्दी पाउडर। मैं खाने में कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे थोक के 4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालने वाली हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च से मसाले में जो कलर आता है ना, उससे खाना बहुत ही अच्छा दिखता है। अलग से फूड कलर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका खाना ऐसे ही बहुत ही स्वादिष्ट दिखेगा। अब मसाला डाल ही रहे हैं तो धनिया पाउडर तो हम भूल नहीं सकते हैं। 6 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि मैंने 12 प्याज का इस्तेमाल किया है। 2-3 चम्मच जीरा पाउडर भी आप डाल सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। अब जब सारे सूखे मसाले प्याज में पड़ गए हैं, तो इसे अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लीजिएगा, ताकि मसाला प्याज में पक जाए। जब सूखे मसाले डल ही गए हैं, तो हम जिंजर गार्लिक पेस्ट तो भूल नहीं सकते हैं। मैंने अंदाजन 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डाला है। आपको ध्यान देना है कि मसाले और जिंजर गार्लिक पेस्ट प्याज के साथ अच्छे से पक जाए और बिल्कुल कच्चा मत छोड़िएगा इन्हें। जैसे ही आप टमाटर इस मसाले में डालेंगे, सूखे मसालों और जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पर बंद हो जाएगा। इसीलिए मसालों को फुर्सत से पकाइए और अच्छे से जब महक आने लगे आपके मसाले से, तो उसके बाद ही इसमें टमाटर ऐड करिएगा। मेरे इस मैजिक मसाले में अब सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं, तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। मैंने यहाँ पे 7 टमाटर का इस्तेमाल किया है 12 प्याज के लिए। वैसे तो आप कटे हुए टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मसाले को पकाने के लिए। हालांकि मुझे टमाटर पेस्ट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने 7 टमाटर को मिक्सी में पिस के उसका पेस्ट बना लिया है। अब टमाटर को बाकी मसाले के साथ अच्छे से मिलाना है। मैजिक मसाला सच में ही एक मैजिकल मसाला है, क्योंकि इसकी मदद से आप नॉनवेज भी 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। जैसे कि चिकन ग्रेवी बनाने के लिए आपको बस कढ़ाई गर्म करना है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना है और मैजिक मसाला डाल देना है। एक बार आपका मैजिक मसाला गरम हो गया, तो उसमें चिकन डाल दीजिए और चिकन उसमें थोड़ी देर पकाइए या प्रेशर कुक कर दीजिए, और आपका चिकन करी रेडी हो गया। दाल तड़का बनाने के लिए दाल को बॉईल कर लीजिए और मैजिक मसाले का तड़का लगा दीजिए, और आपका बहुत ही यमी दाल तड़का रेडी हो जाएगा। तो इस मैजिक मसाला की मदद से आप बहुत सारे रेसिपीज़ बना सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद अब बारी है नमक डालने की।
सो नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाता है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। कुकिंग एक साइंस की तरह है और हर प्रोसेस के पीछे एक कारण है। अगर वो आप कारण समझ लेंगे तो आप कभी भी ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स नहीं भूलेंगे। मैंने टमाटर को मसाले में 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे मिक्स कर दिया है अच्छे से। आप चाहे तो टमाटर को ढक के भी मसाले के साथ पका सकते हैं। ढक के पकाने के लिए गैस को स्लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में सेट करना है और 10 मिनट के लिए उसे ढक के छोड़ देना है। बीच बीच में आके मसाले को एक बार मिक्स कर दीजिएगा ताकि नीचे वो चिपके नहीं। मैं प्रेफर करती हूँ मसाले को खुल के पकाना। इसके लिए गैस के सामने आपको कंटिन्यूसली खड़े रहना पड़ेगा और मसाले को मिक्स करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हाई टू मीडियम फ्लेम के बीच में मसालों को पका रही हूँ ताकि ये जल्दी पक जाए। इस मसाले में हम अलग से प्रिजर्वेटिव नहीं डालने वाले हैं, इसीलिए हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच विनेगर, जो प्रिजर्वेटिव का काम करता है और इस मसाले को लंबा आपके फ्रिज में स्टोर कर सकता है। विनेगर आपके इस मैजिक मसाले का शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप इस मसाले को फ्रिज में ऑलमोस्ट 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रीज़र में तो ये 2 महीने तक भी स्टोर हो जाएगा बिना ख़राब हुए। दो इसके शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है, बट मैं इतना ही क्वांटिटी का मसाला बनाती हूँ कि मैक्सिमम 2 वीक्स में ख़त्म हो जाए, बिकॉज इसे बनाना बहुत आसान है। मैक्स टू मैक्स 1/2 आवर में ये मसाला रेडी हो जाता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे कभी नहीं बनाती। बट अगर आप इस मसाले को 1 महीने तक भी यूज़ करना चाहते हैं फ्रिज में रख के, तो बेझिझक करिए। मसाले में थोड़ी देर विनेगर को अच्छे से कुक कर लीजिएगा, नहीं तो विनेगर का स्मेल आपके मसाले में आने लगेगा। मसाला ऑलमोस्ट डन है, मैं इसे और 5 मिनट पकाने वाली हूँ सो दैट विनेगर का पूरा स्मेल इसमें से चला जाए। जैसे कि आप देख रहे गाइस, मसाला तेल छोड़ चुका है, मसाला बहुत अच्छे से डन है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत प्यारा है। कढ़ाई गर्म है इसीलिए मैंने साइड से सारा मसाला स्क्रेप कर लिया, क्योंकि एक बार ये ठंडा हो जाएगा तो ये कढ़ाई में चिपक सकता है। 1/2 घंटे के लिए मैंने मसाले को कढ़ाई में ही छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, और अब इसे मैं स्टोर करने वाली हूँ 1 ग्लास जार में। काफ़ी मात्रा में मसाला बन चुका है और इसे मैं 4-5 दिन कुकिंग के लिए आराम से यूज़ कर सकती हूँ। मैंने ये मैजिक मसाला कुकिंग के लिए कैसे यूज़ किया है ये आपको दिख जाएगा मेरे अगले वीडियो में। अब बारी है इसे फ्रिज में स्टोर करने की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।